मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। अपने ही लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई घर में देखो, अगर आप मेरे आपने जो पूछा कहा कि जो जो श्री कृष्ण की बात की, महाभारत की बात की, देखिए मेरा जो उस पर जो लेख है, मैंने लेख इसीलिए लिखा क्योंकि मैं 40 साल से, अगर मैं अपने यहाँ भी अपने अपने कलीग्स अपने जो साथियों से बात करूँ, अगर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन था, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो आपको ऐसा कोई जवाब देंगे कि वो वेस्टर्न ही होगा, कहेंगे मेटरनिक सबसे बड़ा दुनिया। अगर मैं उनको कहूँ कि आप मुझे बताइए कोई डिप्लोमेसी पे सबसे अच्छी किताब क्या, तो कहेंगे वो मैकियावेली है, वो हैरल निकल्सन है, वो अर्नेस्ट सार्टो है। तो मेरा लिखने का कारण ये था, मैं अपने ही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई घर में देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे, उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद, माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट निकले। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूँ कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो नॉन अलाइन निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुकमा थे, या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी, कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं, पर वो भी फिजिकल मटीरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान, जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार उसके बाद आपको पता उन्होंने किया क्या। First February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full Union Budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Money Control. Log on to www.moneycontrol.com for more.